लखनऊ में एक व्यवसायी ने कर्ज से परेशान होकर पूरे परिवार समेत मौत को गले लगा लिया। राजधानी के आशियाना सेक्टर आई में साइबर कैफे चलाने वाले विशाल मोतियानी किराए के कमरे में पत्नी हिमानी और 3 साल के बेटे के साथ रहते थे। आशंका जताई जा रही है कि विशाल ने पत्नी और बेटे को जहरीला पदार्थ खिलाने के बाद खुद फांसी लगा ली। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। विशाल के घर से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है जिसमें विशाल ने हत्या की वजह बताई है। विशाल ने कई सूदखोरों के नाम लिखे हैं जिनके प्रताड़ना से तंग आकर उन्होंने परिवार समेत आत्महत्या कर ली। बहराइच में एक मनचले की जमकर धुनाई हो गई। दरअसल ये मनचला एक छात्रा के साथ छेड़खानी कर रहा था, तभी उसकी मां आधम की और मनचले की चप्पल निकालकर पिटाई शुरू कर दी। तभी पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और मनचले को अपने साथ ले गई। होली में मातम फैलाने वाले गिरोह को यूपी पुलिस ने बेपर्दा कर दिया है। हापुड़ में पुलिस ने शराब तस्करों से 104 पेटी अवैध शराब बरामद की है। पुलिस ने एक गाड़ी को जब्त करते हुए 4 आरोपियों को हिरासत में लिया है। पकड़ी गई शराब बिना किसी मार्का के है जिसे आसपास के गांवों में होली के दिन बेचा जाना था। पुलिस ने जब्त की गई शराब के सैंपल जाँच के लिए भेजे है। यूपी के लखीमपुर में होली के चलते शराब तस्कर सक्रिय हो गए हैं। इसी कड़ी में पुलिस ने अवैध शराब तैयार करते 8 लोगों को रंगे हाथों पकड़ लिया। पुलिस ने इनके पास से 300 लीटर कच्ची शराब बरामद की और शराब बनाने के उपकरण भी जब्त किए। नोएडा पुलिस ने दिल्ली के एसीपी के घर पर गोली चलाने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने फुर्ती दिखाते हुए महज 24 घंटे में ही घटना का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर लाइसेंसी हथियार भी जब्त किया है। पूछताछ में युवक ने बताया कि टिकटॉक का वीडियो बनाने के लिए युवक ने गोली चलाई थी। घटना 6 मार्च की है। गाजियाबाद पुलिस ने एक ऐसे शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया है जो लोगों से नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी किया करता था। ये शातिर ठग बेरोजगारों को अपना शिकार बनाते थे। इनके पास से 8 लैपटॉप, 28 मोबाइल, 71 सिम कार्ड और भारी नकदी बरामद हुई है। बहराइच में होली से पहले होलिका को लेकर सावित्री बाई फूले ने विवादित बयान दिया है। एक जनसभा में पूर्व सांसद सावित्री बाई फूले ने ब्राह्मणों को होलिका का बलात्कारी कह दिया, जिसके बाद ब्राह्मण समाज ने सावित्री बाई का पुतला फूंका। पूर्व सांसद ने कहा कि ब्राह्मणों ने होलिका का सामूहिक बलात्कार किया और जिंदा जलाकर होलिका की हत्या की थी। वहीं सावित्री ने हिरण्यकश्यप जैसे राक्षस को दलित समाज का हीरो बताया है। उन्होंने हिरण्यकश्यप के बेटे प्रहलाद को शराबी और बिगड़ायल बेटा बताया। पौराणिक गाथा के चरित्रों को मनगढ़ंत तरीके से पेश करने पर पूर्व सांसद से ब्राह्मण समाज बेहद नाराज है। उत्तराखंड के सभी कॉलेज में छात्रों के मोबाइल ले जाने पर पाबंदी लगाई जा सकती है। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने इस ओर संकेत दिया है। उनका कहना है कि उत्तराखंड में 4 धाम के बाद पीएम ने इसे 5वां धाम सैन्य धाम कहा है। इसी तर्ज पर सरकार शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने और सूबे को एजुकेशन हब बनाने के लिए उसे 6ठे धाम के तौर पर विकसित करना चाहती है, जिसे शिक्षा मंत्री ने शिक्षा धाम के नाम से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सभी डिग्री कॉलेज के क्लासरूम में मोबाइल फोन बैन करने के मसले पर रायशुमारी कराई जा सकती है। यूपी में स्नातक चुनाव के मद्देनजर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने फतेहपुर का दौरा किया, जहां वो पार्टी के स्नातक चुनाव प्रबंध कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने स्नातक चुनाव के मद्देनजर 10 जिलों के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की और चुनाव में जीत हासिल करने के लिए कार्यकर्ताओं को टिप्स दिए। रामपुर के नवाब खानदान का स्ट्रांग रूम शनिवार को गैस कटर से काटकर खोला गया, लेकिन उसमें कुछ नहीं निकला। मिले तो सिर्फ खाली ताज के डिब्बे और जंग लगे सामान। टीम ने स्ट्रांग रूम का मुआयना किया तो खजाना खाली था। हालांकि इसके बाद नवाब परिवार के पूर्व मंत्री नावेद मियां ने नवाब परिवार के मुराद मियां पर स्ट्रांग रूम से सामान चुराने का आरोप लगाया।